Battling for his life for over a week, Sarabjit Singh has passed away in Lahore's Jinnah Hospital. To talk to us more about this, we have Dr. Rajkumar Virka, Chairman SC/ST Commission and a person who has been very closely associated with his family in hours leading up to his death. Sir, thank you for speaking with Headlines today, sir. What is the family, first of all, going through? देखिए आज जैसे ये खबर आई है और उस फैमिली को जैसे पता चला है उसकी बेटियों का रो रो के बुरा हाल है. उन्होंने कहा कि हम अपने बाप के दर्शन करने के लिए गए थे. बीवी ने कहा कि हम अपने पति की सेवा करने के लिए गए थे, हमें वो मौका नहीं मिला. बहन ने कहा कि उसकी तंदुरुस्ती के लिए पता करने गई थी लेकिन हमें नाराज होकर नर्वस होकर के वहां से वापस आना पड़ा. और जब ये रिपोर्टें हमारे पास पहले से आई हुई थी कि सरबजीत का कत्ल करके पाकिस्तान ने आर्टिफिशियल सांसों के सहारे वेंटिलेटर पे उसको रखा हुआ है, तो ये पहले से ये हमारे पास न्यूज थी. और पाकिस्तान ये ड्रामा कर रहा था. पाकिस्तान ने उसका कत्ल इसलिए करवाया है कि वो चाहता है कि वहां पे जो इलेक्शन आने वाले हैं, जो इंतहा पसंद है वहां के लोग, वो ये बात कहने के लिए बता दे कि देख लीजिए कसाब का वहां मारा गया है, उसको फांसी दी है, अफजल गुर को फांसी दी है, देख लीजिए आज हमने सरबजीत को मार दिया. ये कोई बहादुरी नहीं दिखाई आपने. ये सरबजीत जो था वो एक गरीब दलित था, वो एक गरीब किसान था, वो आतंकवादी नहीं था. सर, परिवार अब आगे क्या चाहता है? देखिए परिवार ये चाहता है कि उसकी बेटियों से मैंने पूछा है कि बच्चे बताओ आप देश के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप भारत की सरकार से क्या मांग करते हैं. तो उन्होंने कहा कि हमारा बाप आतंकवादी नहीं है, हमारे बाप ने कभी कोई गलत काम नहीं किया, उसको गलत फंसाया गया है और हम चाहते हैं उसको भारत सरकार शहीद घोषित करे और उनकी डेड बॉडी यहाँ मंगा करके पूरे सरकारी सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार हो.